हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछले दिनों में मेरे को बहुत क्वेश्चन आए हैं। जब मैं अपना कमेंट बॉक्स देख रही थी तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि प्रेगनेंसी में हमें जो हमारा प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे दर्द क्यों होता है, एब्डोमिनल जो एरिया है वहाँ पे दर्द क्यों होता है। इसके रिगार्डिंग बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया है। आई थिंक वो वीडियो आप लोगों तक पहुँच नहीं पाई है। आप लोग चैनल को स्क्रॉल नहीं करते, एक बार स्क्रॉल करके देखो। खैर कोई बात नहीं, नए व्यूवर्स के लिए नया वीडियो लेके आई हूँ, इसमें कुछ नई जानकारी ही आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे आप सभी के लिए, जो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के साथ ही वो एब्डोमिनल एरिया में या प्राइवेट पार्ट में दर्द होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। तो ये जो दर्द है ना, 9 महीने में 3 पार्ट में दर्द होता है, अलग अलग महीनों में अलग अलग पार्ट में दर्द होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रेगनेंसी का 3 ट्राइमेस्टर होता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो पहले महीने से 3रे महीने तक होता है। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है, कंफर्म प्रेगनेंसी 6 वीक बाद होती है। मीन्स पहले 1 महीना, जैसे 1 फरवरी को आपका पीरियड आया, 1 फरवरी को लास्ट पीरियड आया है और 1 मार्च को आपको पीरियड नहीं आए हैं, तो उसके बाद और जो 15 डेज होते हैं ये सब मिला के आपका 6 वीक होता है। इसके बाद ना आपका जो प्रेगनेंसी है वो कंफर्म होता है। किट में भी दिखेगा और अल्ट्रासाउंड में भी वो छोटा सा होल आपका दिखेगा, टमी में छोटा सा होल, एकदम इतना छोटा तो वो दिखता है। और इसके बाद जो 1.5 महीना और बचा हुआ, मतलब 6 वीक, उसके बाद 6 वीक जो बचा है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी कि पहले महीने से लेकर फरवरी 1 तारीख से लेकर जो 3 महीना है वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। अब इन दिनों में जो एब्डोमिनल या हमारे प्राइवेट पार्ट का दर्द होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये पहला जो 3 महीना होता है वो क्रूशियल होता है, सभी के लिए नहीं लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए आजकल ये महीने क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इन दिनों में जो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होती है। मैं खुद इस तकलीफ से 2 बार गुजर चुकी हूँ तो मैं इस चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर आप मुझे बहुत पहले से जुड़े हुए हो तो इन सब के बारे में आपको पता होगा कि मैं किन चीज़ों से गुजरी हुई हूँ। और उसके बाद 3rd प्रेगनेंसी में मेरा बेबी आया तो उसमें भी थोड़ा अलग कंडीशन था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमें दर्द होता है ना, वो दर्द होता है वो पीरियड की टाइप की होती है। जब नॉर्मली हमें पीरियड आते हैं और अब्डोमिनल एरिया में, बैक एरिया में पेन होती है ना, तो उस टाइप का वो दर्द होता है। और थोड़ी थोड़ी वो अब्डोमिनल में आपको चुभन सी देती रहेगी, क्योंकि उससे ना हमें माइंड में ये डाउट रहता है कि हमें पीरियड आ जाएंगे, कहीं पीरियड ना हो जाए। मतलब ये नॉर्मल, मैं डॉक्टर के लैंग्वेज में बात नहीं कर रही हूँ, एज अ मम्मी मैंने ये फील किया है कि पहला 3 महीना मेरे लिए बहुत क्रूशियल था। उस समय मुझे हमेशा डर लगता था, हर एक दिन हर एक घंटे डर लगता था कि मुझे पीरियड ना आ जाए, मुझे ब्लड ना आ जाए। तो ये पहला दर्द उस टाइप का होता है, पीरियड टाइप का। दूसरा ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो दूसरा ट्राइमेस्टर होता है 3 to 6 मंथ का जो ट्राइमेस्टर होता है, इस ट्राइमेस्टर में बेबी का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। जब आप 3 महीने के बाद 4थे महीने में जाते हो तो बेबी का सारा ग्रोथ एकदम से होना शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे कि 3 महीने के बाद ना अचानक से आपका टमी, आप रात को सो के उठे और सुबह ऐसा लग रहा है कि टमी आपका थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उस समय ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। अब क्योंकि हमारा जो बेबी जहाँ पे रहता है वो जगह बहुत छोटा सा होता है, तो वो स्पेस, जब बेबी बड़ा होता है तो वो स्पेस फैलता है, बड़ा होता है तभी तो बेबी भी बड़ा होगा ना। तो जब स्पेस बड़ा होता है, तो जब स्पेस बड़ा होने लगता है ना, तो वो थोड़ा खिंचाव महसूस करता है और तब वो वाली खिंचाव वाली पेन होती है, जैसे हम स्किन को ऐसे खींच रहे हो बहुत जोर से, वो वाली पेन हमें महसूस होती है। ठीक है, क्योंकि उस समय बेबी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा होता है। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आपका बेबी उस समय ग्रो कर रहा है उस समय दर्द होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि वो दर्द कुछ अलग टाइप का है, एक्स्ट्रा दर्द है, आप वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, महसूस हो रहा है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, तो क्या करना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आपको किसी की नहीं सुननी है, सीधे आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपनी तकलीफों को बताना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मिसकैरेज की, मिस्ड अबॉर्शन का खतरा रहता है। मीन्स 4 महीना 5 महीने का बेबी होकर अगर उनको सही से सब चीज ना मिले, स्पेस ना मिले या कोई अंदर इंटरनल प्रॉब्लम हो, तो बच्चों की हार्टबीट बंद हो जाती है, फिर आपको सेम अबॉर्शन करवाने
की नौबत आ जाती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, कभी भी आपको लगे कि आपका बॉडी बोल रहा है कि भाई कुछ खतरा है या मुझे डर लग रहा है, तो आपको किसी की नहीं सुनना है, सीधे आपके डॉक्टर के पास जाना है। कोई भी कुछ भी मेडिसिन नहीं लेना है, पेन किलर या कुछ भी नहीं लेना है, फर्स्ट आपको डॉक्टर को विजिट करना है। थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो 6 मंथ के बाद 7 मंथ टू 9 मंथ होता है। अब 7 मंथ टू 9 मंथ में बेबी का जो ग्रोथ है थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि उस समय तक बेबी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका रहता है। उस समय अब बेबी का जो ये स्किन है ये थोड़ी सी मोटी होनी शुरू होती है, बॉडी का वेट बढ़ना शुरू होता है, मतलब स्किन थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी शुरू होती है, बाल अच्छे होने शुरू होते हैं, मतलब डेवलपमेंट चल रही होती है और बेबी की जो वेट है वो भी इंक्रीज होती है इन दिनों में। बहुत सारे लोगों का 9 मंथ स्टार्ट होते ही डिलीवरी हो जाती है, बहुत लोग पूरे 9 मंथ को कवर करते हैं। तो इस समय जब आपका बेबी बड़ा होता है तो ऑफकोर्स अब आप वेट गेन कर रहा है, हड्डियां मजबूत हो रही है, सबका वेट आपके पेट पे ही जाता है और दूसरी जगह नहीं, जिसकी वजह से आपका जो एब्डोमिनल एरिया है उस समय दर्द होता है। और क्योंकि बेबी ये 6 महीने के बाद बहुत लात मारता है, तो 6 महीने से 8 महीने तक तो लात उसकी खाओगे तो दर्द तो होगा ही, तो ये उस चीज का दर्द है। इसके अलावा भी 7वें महीने से फॉल्स लेबर पेन भी शुरू हो जाते हैं, बहुत लोगों को 7वें महीने में भी लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, तो ये सब का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, आपकी बॉडी इंडिकेट करती है, आपको समझना पड़ेगा उसको और जितनी जल्दी हो सके आपको डॉक्टर से मिलना होगा, आपको डॉक्टर से बात करनी होगी, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। मैं आपको यही बोलूंगी इस वीडियो के इन में कि प्रॉब्लम चाहे 1 महीने में हो, 6 महीने में हो, 9 मंथ में हो, पर डे हो, आपको किसी की नहीं सुननी है, जस्ट आपको अपने डॉक्टर की बात सुननी है, आपको डॉक्टर से बिना लेट किए मिलने जाना है, क्योंकि डॉक्टर ही एकमात्र उपाय है आपकी बेबी को हेल्दी रखने का, बचाने का। नो DIY, नो किसी का सुनना, ओनली डॉक्टर, क्योंकि वही आपकी सिचुएशन को समझते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सब चीजें बता पाऊं, अगर कुछ छूट गया हो या कुछ ऐसा हो जो मैंने नहीं बताया हो, कवर नहीं किया हो, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में लिखना, और कुछ भी नए वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, नए टॉपिक चाहिए तो प्लीज आप लोग हेल्प करो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तभी मैं वीडियो बना सकती हूं, नहीं तो इतने सारे टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो डाल दी है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं किस टॉपिक पे वीडियो डालूं। तो आप लोग काइंडली क्वेश्चन में लिखो और मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लेना, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, आप चाहो तो मुझे इंस्टा DM में भी बात कर सकते हो, सारी जो डिटेल है मैं यहाँ पे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो बहुत 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 धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि न्यू मॉम तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए और आपके साथ साथ जो अपकमिंग मॉम्स हैं उनको भी इस चीजों की नॉलेज मिल पाए। तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेती आऊंगी। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।